हाउ टू गेट योर आइडियल आईब्रोज फॉर मैन। एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक आइडियल आईब्रोज माना किसे जाते हैं मेल के लिए। तो सबसे पहले हमारा एक डेंस थिक आईब्रोज रहना चाहिए। एक्चुअली जो थिन आईब्रोज रहते हैं वो फीमेल लगता है, तो अगर आपको थिन आईब्रोज है तो ऐसा लगेगा कि आप मेकअप करके आए हो या फिर अपना आईब्रोज सेटअप करके आए हो, ऐसे मेकअप करा के आए हो। तो ऐसा नहीं, हमें एक मेल के लिए आइडियल माना जाता है थिक। जैसे मेरा देखो यहाँ पे, मेरा एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा थिक है, बट सियान और प्राय का एक आइडियल आईब्रोज माना जाता है। और कैंटल थिक सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट है। कैंटल थिक मतलब ये यहाँ से ये जो है ना ये यहाँ से स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये हमारा न्यूट्रल कैंटल थिक हुआ। अगर ये वाला लास्ट वाला साइड ऊपर गया तो पॉजिटिव, अगर ये नीचे आया तो निगेटिव। अगर ये ऐसा कि ऐसा बहुत लोग का ऐसा लगता है यहाँ पर स्टार्ट होगा ऐसा गोला हो जाएगा, इसको हम लोग राउंड आईब्रोज कहते हैं। पर आइडियल हमारा न्यूट्रल या फिर स्लाइट पॉजिटिव कैंटल थिक रहेगा, इसको आइडियल माना जाता है। तो आप में क्या है इसको पहले डिसाइड करो। और मेन रीज़न ये कि आप अपना कैंटल थिक इतना चेंज नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसको ऐसा थोड़ा मसाज कर सकते हो ऊपर साइड। इसको जो हेयर है इसको यहाँ पे जिसको आईब्रो प्लकर्स, इसको ऐसे निकाल दो यहाँ से साइड वाला और इसको ऊपर ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा वैसे देखोगे तो ये हल्का ऊपर का लगेगा ऐसा। और सेकंड, अगर आपका थिन आईब्रोज है तो आप क्या करें, हमें बस दो चीज़ चाहिए, एक डर्मा रोलर और एक मिनोक्सिडिल 5% टॉपकल वाला सॉल्यूशन। तो हमें करना क्या है, डर्मा रोलिंग करना है। सबसे पहले डर्मा रोल लेना है, ये इसको यहाँ से ये जो आईब्रो जहाँ जहाँ हमें लाना है हेयर, इसको बस ऐसे ऐसे बार बार 3-4 बार रोलिंग करना है बस हेयर बचा के। एक्चुअली इसमें टाइटेनियम नीडल होता है स्मॉल, तो हमारे स्किन पे क्या होते हैं स्मॉल पोर्स बनाते हैं ना। अब हमें एक ऐसा मिनोक्सिडिल लेना है ड्रॉप वाइज और इसको अपने इस पर गिराना है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा। That's it, nothing else. Actually, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो मेरा पहले से डेंस आईब्रोज है तो मुझे मिनोक्सिडिल की ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए जिसका थिन आईब्रोज है या फिर कहीं यहाँ पे आईब्रोज कटा हुआ है किसी लोग का होता है ना, इसके लिए मेरा तो पहले से थिक आईब्रोज, तो मुझे मिनोक्सिडिल या फिर डर्मा रोल की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे करना क्या है, मुझे सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक्चुअली मेरे थोड़े बहुत यूनिब्रोज है तो मैं यहाँ पे जो अनवांटेड हेयर रहते हैं ना उसको प्लग कर दूँगा मैं यहाँ से। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिन नहीं है सो डोंट वरी कि आप गे बन जाओगे ऐसा कुछ। मेल ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है यार, मेल को स्किन केयर करना चाहिए आई थिंक, व्हाट वी कॉल्ड हाइजीन। तो ये यहाँ से थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए हेयर, और यहाँ से मैं नीचे के निकालता हूँ ताकि जो मेरा हेयर है अगर मैं आईब्रोज को ऐसे करूँ ये थोड़ा ऊपर का तरह कैंटल थिक है। एक्चुअली मेरा निगेटिव कैंटल अरे वो न्यूट्रल कैंटल थिक है, बट अगर मैं ऐसा करूँगा थोड़ा तो ये हल्का पॉजिटिव कैंटल थिक का अपीयरेंस देगा। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड आइडियल आईब्रोज फॉर मैन, थिक स्लाइट पॉजिटिव कैंटल थिक एंड नो यूनिब्रोज, दैट्स इट। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट एनी फेस रेटिंग और इफ़ यू वॉन्ट एनी लुक मैक्सिन रिलेटेड एडवाइज आर समथिंग। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि मिनोक्सिडिल से अगर आपने ट्राई किया हो तो आपका आईब्रोज थिक हुए थोड़ा बहुत, या फिर इफ़ यू हैव एनी नोटिस एनी चेंज इन योर आईब्रोज प्लीज़ मेंशन डाउन।